हेलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मायुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। कर्मायुर्वेदा ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यह विश्व के बेहतरीन आयुर्वेदिक किडनी केंद्रों में से एक है। यह सन 1937 के बाद से लगातार किडनी के पेशेंट्स का आयुर्वेदिक उपचार कर रहा है। यह धवन परिवार द्वारा स्थापित किया गया है और डॉक्टर पुनीत धवन उनकी पांचवी पीढ़ी है, जो कर्मायुर्वेदा को अपने अनुभवों से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। कर्मायुर्वेदा के सीईओ डॉक्टर पुनीत धवन एक अनुभवी आयुर्वेदिक किडनी डॉक्टर हैं, जिन्होंने अब तक दुनिया के भर के हजारों पेशेंट्स का इलाज किया है। उनकी उपचार तकनीकों ने कई किडनी पेशेंट्स को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना ही ठीक करके दिखाया है। आज हमारे साथ कर्मायुर्वेदा के एक पेशेंट मौजूद हैं। उनका नाम है असगर, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। कर्मायुर्वेदा ने असगर की दोनों किडनियों को मात्र कुछ ही महीनों में पुनर्जीवित करके दिखाया है। तो आइए आपको दिखाते हैं पेशेंट की खुद की जुबानी, कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने उन्हें डायलिसिस से छुटकारा दिलाया। मैं आपका, मेरा नाम मोहम्मद असगर। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो सर बदायूं के हैं, ये यूपी के, लेकिन हम हैदराबाद में कुछ कारोबार बच्चों के पढ़ाई के ताल्लुक से गए। हैदराबाद में गए जी। तो ये बीमारी आपको कैसे पता चला था? इस बीमारी सर हमको नहीं मालूम हुआ था। हम अचानक हम सुबह के लिए नाश्ता करके बैठे हुए थे, यहाँ से यहाँ तक कि इतनी मोटी सी लाइन में थोड़ा पेन हुआ सांस लेने में। थोड़ी देर बाद फिर पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द के बाद ये वाले पैर में दर्द हुआ, ऐसे राउंड राउंड होकर के नीचे तक गया। फिर दूसरे उसमें पेट में कमर में ये सब दर्द हुआ। फिर एकदम मोशन आया, लेटिन गए। लेटिन जाने के बाद नहीं, उससे पहले उल्टी आई या ये मैं भूल गया, मेरे को याद भी नहीं रह रहा ज़्यादा वीकनेस की वजह से। तो मोशन गए, लेटिन में वापस आए तो हम गिर गए। अच्छा, गिरने के बाद या पहले या नहीं मालूम उल्टी आई थी। उल्टी में पीला लिक्विड और क्या आया नहीं मालूम, जितना था सब निकल गया, सारा निकल गया। उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुई? मुंह काफी कड़वा हो गया। फिर एक लोकली डॉक्टर फेमस रहते हैं, वहां जाके दिखाया, MBBS नहीं थे, उनकी दवा से हमारे को महसूस नहीं हुआ कुछ फायदा होगा। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, वो भी फेमस था अपने एरिया के अंदर, MBBS वो भी नहीं था। तो वहाँ दो दिन दवा खाया, फिर और एक MBBS डॉक्टर को दिखाया जाएगा, बोले जाओ अब तुम या तो उस्मानिया जाओ, नहीं तो मेरे यहाँ आपको 2-3 दिन लगेगा। अच्छा। हाँ, क्या काम करते? मैं बोला सर ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। फिर उस्मानिया गए, उस्मानिया 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर बुलाया। फिर एक जगह वहाँ TB हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया 2 दिन के लिए। क्वारंटी हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वहाँ भेज गए, तो वहाँ उन्होंने भेज दिए, वहाँ क्या बोलते क्वारंटी से TB हॉस्पिटल SR नगर, 2 दिन एडमिट रहे वहाँ। वहाँ से फिर उस्मानिया भेजे, बोले तुम्हारे को TB वगैरह नहीं है और किसने आपको इधर जबरदस्ती एडमिट कर दिया। वहाँ से आए फिर उस्मानिया हॉस्पिटल, जो कि हैदराबाद स्थित है और काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और जहाँ हमारे लिए जिस बिल्डिंग में रखे थे वो टोटल पूरा किडनी के से ताल्लुक। अच्छा। सारी बीमारियों। अच्छा। डायलिसिस किडनी से ताल्लुक तमाम पूरा बिल्डिंग है। अच्छा। तो वहाँ करीब 10 दिन से ज़्यादा एडमिट रखे, लेकिन हमारे को वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। हम समझो हॉपलेस ज़्यादा भी थे, फिर कुछ और होने लगे। वो दो डायलिसिस करा दिया। अच्छा। हाँ, और मैं बोला डॉक्टर साहब आप कौन सी सर्किट पे काम कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसीजर है? मेरे को दर्द यहाँ है, आप यहाँ का इलाज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो बोला हमारे को पता नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था क्रिएटिनिन उस समय। हाँ, सत्रह क्रिएटिनिन था। उसके बाद फिर बोले हमारे को समझ में अभी नहीं आ रहा, बोले बायोप्सी करनी पड़ेगी। पेशाब बराबर आता रहा और जो है कभी कम नहीं हुआ। और फिर सर क्या नाम है, पैरों पे सूजन भी नहीं था, कैसे क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या कर रहे हैं। बड़ा हुआ था किडनी, जो उस समय कम काम की और डैमेज थी किडनी जी। डायलिसिस उस टाइम आपको एडवाइस कर दिया गया, तो डायलिसिस आपने कराया? दो डायलिसिस। डॉक्टर ने क्या बताया उस समय? डायलिसिस बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा। अभी लीव उस पे कुछ भी हो सकता है, किडनी पे जो है प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए डायलिसिस बहुत जरूरी है, बाकी फिर देखते हैं कैसा क्या है। उसके बाद सर हम अपने ज्यादा बोले आप बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी होता है? हाँ, बायोप्सी करना पड़ेगा। और उसके बाद उससे पहले कोई इसका चारा नहीं, तो हम घबरा गए इधर। फिर आपका
और उस पे यूट्यूब पे देखा था वीडियो कैसे करके निकाला। अच्छा, आज आपकी भी यूट्यूब पे वीडियो बन रही है। और ये जो है हमारे जहाँ हमारे जो हमारे मिलने वाले अजीज दोस्त लोग हैं तो उन्होंने काफ़ी हमारे साथ समझो आज का भी इलाज वही करा रहे हैं। तो बहुत बेचारों मेहनत की पैसे से हर तरीके से, फिर वो उनका किराने का कारोबार है तो उनके सामने मकसूद साहब हैं, मकसूद भाई। तो यहाँ पे जब आप आए जी तो आपको क्या क्या आराम मिला और क्रिएटिनिन कितना था जब आप यहाँ पर आए? यहाँ पर आए थे तो मैं आपको रिपोर्ट बताया था कितना था, 13 था या 3 था, 17 के आसपास था। 17 क्रिएटिनिन डायलिसिस में आप करा रहे हैं। आपके पास 10 तारीख को आए थे? हाँ, 10 तारीख से आज तक जो है दवा मैं 11 तारीख से स्टार्ट किया। एक महीना हुआ है आपको? नहीं हुआ 20 दिन 18 दिन हुआ है। 18 दिन हुआ है मात्र? 18 दिन 11 दिन में आप क्रिएटिनिन ये कितना है आपके? अब तो नॉर्मल आ गया। नॉर्मल 1.2 आया। आपने जैसे परहेज बताया था जैसे दवाखाना, मात्र 11 दिन के अंदर अंदर क्रिएटिनिन को नॉर्मल हो चुका है, 1.2 की रेंज में आ चुका है जी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा ये रिपोर्ट दिखाऊंगा किस प्रकार से क्रिएटिनिन ठीक हुआ है इनका, और क्रिएटिनिन 17 से लेके 1 मात्र 11 दिन में कैसे आया है वो मैं आपको रिपोर्ट्स के द्वारा अभी बताऊंगा। पहले आप इनकी कहानी आगे सुनेंगे फिर क्या हुआ। सर मैं जो यहाँ से दवा लेके गया जैसे आपने परहेज और जैसे दवा खाने को बताया बिल्कुल सेम वैसे ही करता रहा मैं। और फिर जब ये रिपोर्ट एक हमारे पास में डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोले जरा दोबारा से देखो वो शुगर बढ़ी है कैसे, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि तो यानी जब तक डाइट नहीं बढ़ेगी तो कैसे ठीक होंगे, उन्होंने ये एडवाइस दिया। तो ठीक है पहले ये टेस्ट कर लो, बोले 1-2 हज़ार का लालच मत करो। तो ये चेकअप कराया तो जब रिपोर्ट आई तो बोले ये आप अपने डॉक्टर से मिलो जिसकी आप दवा खा रहे हैं। तो सर मैं आज आपको रिपोर्ट देख बताने आया था। और जब उस टाइम तो चल फिर भी नहीं सकता था लेकिन 2-4 में आए थे जब दबा आई मेरे को व्हीलचेयर पे आए थे, चार लोग आपको लेकर आए थे साथ में और आप ये खुद अभी सामने खड़े हुए हो। चमचे से पानी डालते थे तो ये निकल जाता था, इशारा करते थे सिर्फ, बोलना भी नहीं होता था, इतना बड़ा मुंह खोल के जीभ निकालते थे बस। अच्छा वो ये बोल नहीं मिलता था बिल्कुल भी, बोल नहीं पा रहे थे, चमचे से पानी पी रहे थे, चार लोग उठाकर आपको लेकर आए थे अच्छे से याद है, चार लोग लाए थे सही बोल रहे। तो फिर आपकी दवा खाने से एक हफ्ता भी खाई होगी फिर जो है थोड़ा बहुत खाना शुरू कर, 4-5 दिन के अंदर ही खाना शुरू कर दिए थे आपकी दवा खाने के बाद। और फिर अब चल फिर भी सब रहे हैं बाथरूम में भी, 1-2 किलोमीटर भी जरा एक दो जगह बैठना पड़ेगा वरना 2 किलोमीटर भी चल सकते। तो बहुत फर्क है आपको, क्रिएटिनिन तो आपका नॉर्मल हो गया, बस सिर्फ कमजोरी रहेगी, कमजोरी ज्यादा देखेंगे। ये क्रिएटिनिन 17.83 वाज़ क्रिएटिनिन लेवल जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 17.83 रिपोर्ट्स के आधार पर सब आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इनका क्रिएटिनिन हुआ 15, हैदराबाद से इन्होंने टेस्ट कराया, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 15.41, यूरिया 179, डायलिसिस 2 बार चल रहा था और पेशेंट को डायलिसिस चल रहा था, 4 बंदे यहाँ लेकर आए और 11 दिन के अंदर अंदर क्रिएटिनिन इनका नॉर्मल हो गया। किस प्रकार से हुआ मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। 26/10/2018 क्रिएटिनिन 1.2 बायो केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी, कहाँ से कराया टेस्ट? ये हैदराबाद में, हैदराबाद 1.2142। अब आप समझेंगे कि ये पेशेंट 1.2 ये यहाँ संगम विहार देवरी खानपुर का है, खानपुर का टेस्ट है दिल्ली का। और इन्होंने एक लैब से नहीं कराए, कितनी लैब से कराए? अलग अलग लैब। कितनी अलग अलग लैब? कितनी लैब से कराए हैं? अब दो तीन लैब से कराए हैं, तीनों लैब में नॉर्मल आया है। तीन लैब से कराए हैं आप, इनके उसमें मत जाइएगा कि रिपोर्ट इनकी गलत हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने एक नहीं 3 लैब से जांच कराई है। 1.2 क्रिएटिनिन जो था वो दूसरी लैब में भी यही आया, 15/11/2018 1.2 यूरिया 33 यूरिक एसिड 4 सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सब कुछ नॉर्मल रेंज के अंदर। 17 क्रिएटिनिन से लेके 1.2 क्रिएटिनिन शुगर भी इतना बढ़ा हुआ था कि 600 हो गया था, 600 तक पहुंच गया हैदराबाद हाइपर।
फिर वहाँ से थोड़ा कंट्रोल करके भेजे, दवा दिए, तब वो शुगर की भी दवा, आपकी दवा क्योंकि कड़वी है ना बहुत, तो उसे शुगर भी कंट्रोल हो रहा है। शुगर भी कंट्रोल्ड है, क्रिएटिनिन 17 से लेके 1.2 एक नहीं तीन लैब्स और हैं जहाँ से उन्होंने टेस्ट कराया, दिल्ली की दो लैब, दो खानपुर की लैब्स हैं, हैदराबाद से भी टेस्ट कराए, सभी लैब्स में क्या आया, नॉर्मल आया जी हाँ। ये पेशेंट आपको जैसे देखने में लग रहा है वैसे नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट है और चार लैब्स उन्होंने टेस्ट कराया और चारों लैब्स में क्रिएटिनिन नॉर्मल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आप पब्लिक की सेवा करते हैं, अच्छी दवा बहुत अच्छी कामयाब करे, आपको तरक्की दे, मेरे को तो बहुत बेहतरीन दवा करा है, लेकिन जरिया आपको बनाया, बस आपको जरिया समझ, हमारा तो कोई भी नहीं था, दूसरों ने इलाज कराया इनका, अल्लाह उन्हें भी तरक्की दे। नामपल्ली अल्हम्दुलिल्लाह होटल के सामने वो रहते हैं और यहाँ जो है नामपल्ली हैदराबाद चिकन मार्केट में उनका किराने का कारोबार है, समझो हम पूरा वही बेचारे खर्चा सब उठा रहे हैं, तो इस लायक भी नहीं, आप देख सकते हैं, अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते होंगे क्या हम लोग की क्या है, हमारा ऑटो का कारोबार उसमें कितना क्या कर रहा, खाना क्या उस किराए का, ऑटो घर किराए का, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, रोजी रोटी कमा सकते हैं, सब कर सकते हैं, चार लोग आपको लेकर आए थे, आपको आवश्यकता जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, जिंदगी है तो सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, जिंदगी है तो कुछ क्या भी कर सकते, और जिंदगी नहीं रही तो सब खत्म। सर एक हमारे एक हैदराबाद में जैसे हमारे को एड्रेस मिला था, ऐसे हमारे एक दोस्त और हैं इलियास भाई नाम है, हैदराबाद में ही रहते हैं, तो वो भी ड्राइविंग करते हैं, तो उनका क्रिएटिनिन जो है 8 है, वो लेकर आइएगा जब भी बात होगी उसके लिए मैं बात करूंगा, और आज आप खुद खड़े हुए हैं तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देखकर आपको, और दिल से खुशी हो रही है कि आपको इस तरह के फायदे हुए और लोगों को भी फायदे हों इसके द्वारा, इस कैमरे के द्वारा, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो अंग्रेजी दवाइयों से तो इतना कंप्लीट फायदा होने वाला नहीं है, डायलिसिस करवाते रहो, जीते रहो, उसका कोई एक अगर पैसा है जिसके पास वो ही जी सकता, बेस्ट रिजल्ट नहीं हो सकता, जो अब जिंदगी भर डायलिसिस कैसे करा सकते, डायलिसिस करवाते बिल्कुल खत्म हो जाता, क्योंकि हमारी कई बार हमारी तबीयत दूसरे तरीके की भी खराब हुई, जिससे हम देसी दवाइयों की तरफ जब हम गए उन्होंने हमें फायदा हुआ। 11 दिन में क्रिएटिनिन नॉर्मल पेशेंट अपने पैरों पे खड़े हैं, चार लोग इनको लेकर आए थे, स्ट्रेचर पे लाए थे जी हाँ, जिसे बकायदा कहते हैं उठा के लेके आना, वैसे हाँ। लेकर आए थे ये समझ लो, मौत के मुंह में चले गए थे, वहां पर सब लोग ये बोल रहे थे जो चीज ये मांगे वो खिला दो, अब बाकी तो अपने वाले के ऊपर है, सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, सब घबरा गए थे, सब बोल रहे थे अब नहीं बचना, लेकिन हमारे मुंह पे नहीं बोल रहे थे, हम समझ रहे थे उनकी सारी बातें कि जिस तरीके से वो बातें लोग कर रहे थे ना वहाँ, तो हम समझ रहे थे, लेकिन हमारे मुंह पे इसलिए नहीं बोल रहे थे कि ये रोंगी वो करेंगी तो बच्चों को कौन देखेगा, हाँ, लेकिन हम समझ चुके थे, हमसे ये बोले ना वो लोग कि जो चीज ये मांगे वो खिलाओ, अच्छा, ऐसा परहेज जरा भी मत करो, क्योंकि ये बड़ा मुंह खोल देते थे और जीभ दिखाते थे तो अंदर पूरा ऐसा लगता था जैसे व्हाइट व्हाइट सूख गया और आंखें अंदर चली जाती थी इतनी बड़ी दिखती थी, तो सब सोच रहे थे कि जैसे मतलब बच नहीं सकते, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है जो आपका हमारे को पता मिल गया, जरिया बनाता ना ऊपर वाला भी, बस सही बात है, सब रब ही जरिया बनाता है, ना ही ऐसा कुछ होता है, बहुत शुक्र हॉस्पिटल में से निकाल करके बहुत पहले ला लिए होते, लेकिन वो इस तरीके कंडीशन नहीं थी जब आ सकते थे, ये भी रब की मेहरबानी थी, जब जरा कुछ थोड़ा सा हुए तो भी जब ही आए एक फ्लाइट कट कर रहा था वो वापस कर दिया 6 तारीख वाला, जो आपसे अपार्टमेंट ली थी ना 12:30 बजे की अपार्टमेंट दिए, तो रोज नहीं आ सके, फिर 9 तारीख का टिकट फिर ट्रेन से कराया, उन्होंने बोल दिया कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 3000 किलोमीटर ऊंचाई पे जहाज होता है ना, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, अच्छा 10 मिनट में क्या भी हो सकता है, अंदर हालत सीरियस है, अंदर प्लेटफार्म को लेकर जाते हैं जहाँ चेकिंग करते हैं, तो वहाँ डॉक्टर लोगों ने आए बोलो ठहरो तुम डॉक्टर आते तो तुम्हारे को भेजेंगे, वो बोलेंगे तो भेजेंगे, बता नहीं एयरपोर्ट पर रोक दिया, एयरपोर्ट पे डॉक्टर लोग आए उन्होंने बोले नहीं जाने के लायक कंडीशन नहीं है, तो वापस फिर भेज दिए, ट्रेन से लेके आए 6 तारीख बहुत परेशानी, 5 तारीख आपका हॉलीडे था तो फिर 6 तारीख को टिकट कराए थे, फिर 6 को जब वापस भेज दिए, फिर 2-3 दिन और इलाज कराए, उसके बाद फिर 9 तारीख टिकट करा गया, जब 10 तारीख को आपके पास हाजिर हुए, रास्ते में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, रास्ते में ये हॉपलेस हो गए, पता नहीं क्या होगा,
चलिए आप तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। नहीं बहुत अच्छा चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बार बार भूख लग रही। मैं अपने तरफ से भी ये कहना चाहूंगा आम पब्लिक को, आम आम पब्लिक को, आम पब्लिक को ये कहना चाहूंगा कि पलट आइए देसी दवाओं की तरफ, उसी में आसानी और पूरे रोगों का निवारण उसी में जो है रोग खत्म हो सकते हैं। तो मुस्कुराते हुए आज आपसे विदा लेंगे। हाँ ठीक है, अच्छे से इन्होंने फॉलो करा और इनको चेंजेस नजर आए किस तरीके से आ रहे हैं। और आज एक और पेशेंट जो लिटरली मौत के मुंह में थे, उनको बगैर डायलिसिस के आज वो बिल्कुल ठीक है, फिट है, आपके सामने खड़े हैं और रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई, 17 क्रिएटिनिन 4 रोग लेकर 11 दिन के अंदर क्रिएटिनिन 1.2। कर्मा आयुर्वेदा ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रकार की किडनी की बीमारी हो उसका इलाज संभव है, और किस प्रकार संभव है वो आप देख सकते हैं। मोहम्मद असगर जो हैदराबाद में रहते हैं लेकिन निवासी बदायूं यूपी के, बदायूं यूपी डिस्ट्रिक्ट के, तो अलविदा लेंगे जी। दुआओं की दरखास्त आप सब लोगों से, जितने लोग ये लाइव को देखें जरा दुआएं करें हमारे साथ भी, और जितने भी बीमार लोग हैं सबके साथ दुआ करें। हर रब करीम सबकी इलाज रख ले, सब शिफा दे मेरे भाई का नॉलेज में, और अल्लाह तरक्की दे परवरदिगार, से खिदमत ले पब्लिक की नफज, बहुत बेहतरीन नॉलेज है मेरे रब, मेरे भाई का अल्लाह इन्हें कामयाबी करे। अल्लाह ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा पहले असगर ने अपना चेकअप करवाया तब उनका क्रिएटिनिन लेवल 17.83 था और यूरिया लेवल 234.3 था, जो कि कर्मायुर्वेदा से इलाज शुरू करवाने की पहले की रिपोर्ट थी। लेकिन कुछ ही महीनों में जब असगर ने कर्मायुर्वेदा से इलाज शुरू करवाने के बाद दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाया तो असगर का क्रिएटिनिन लेवल 1.2 हो गया था और यूरिया घटकर 33 हो गया है। जैसा कि आपने खुद पेशेंट से सुना कि कर्मायुर्वेदा ने असगर की किडनी को डायलिसिस से छुटकारा दिलवाया। अगर आप भी असगर की तरह किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं या डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का सुझाव डॉक्टर पुनीत धवन से लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।